कल की मूवी का चक्र फिर से घूमने लगा है। अपने सामने 1 मिनट और 9 सेकंड की वीडियो रखी है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सेम चीज मैं तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि अपने सामने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया पिक्चर से, लेकिन वो प्रभास का मेन हीरो नहीं बल्कि प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। मार्केटिंग शुरू करने के लिए कुछ तो डालना था, क्योंकि ऑलरेडी ग्लिम्स के नाम पे इससे लंबा वीडियो देख चुके हैं जिसमें प्रभास स्वयं थे। लेकिन इस बार की वीडियो में जो नोटेबल चीज है कि सारे के सारे शॉट्स एक ही लोकेशन के अंदर है, एक आधा फ्लैशबैक छोड़ के जिसकी बात आगे करेंगे। और वो जो सेट खड़ा किया है उसका लुक एंड फील सो गुड। इवन इससे पहले अमिताभ बच्चन के जो कैरेक्टर पोस्टर्स निकाले उससे लग रहा है कि मूवी काफी हाई क्वालिटी होने वाली है। नॉट जस्ट अनदर इंडिया की डिस्टोपियन मूवी जिसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना था लेकिन किसी ने नहीं किया। रेफरेंस अगर नहीं समझ पाए तो गणपत की बात हो रही है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग चीज की दोनों ही मूवीज के अंदर अमिताभ बच्चन है, कैरेक्टर ना सही बट लुक काफी ज्यादा सिमिलर। और होपफुली गणपत जैसा क्लिकबेट नहीं किया जाएगा। पोस्टर में तुमने उनको खड़ा कर दिया दोनों के बाजू में पिक्चर सिर्फ 5 मिनट के लिए। कल की मूवी के अंदर उनका एक सब्सटेंशियल रोल हो सकता है क्योंकि कैरेक्टर का वीडियो निकाला इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसके अंदर अपने को मिस्टर बच्चन का एक यंगर वर्जन भी दिखता है, जिसको देखने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने था कि क्या ये डी एजिंग है या किसी दूसरे एक्टर को कास्ट किया। एक्चुअल आंसर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि उस यंग वर्जन का बोलने वाला अगर कोई शॉट होता तो शायद पता कर लेते, क्योंकि अब तक जो डी एजिंग हमने हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखी है उसमें भी नोटिस करोगे तो स्किन थोड़ी ज्यादा स्मूथ होती है, जैसे निक फ्यूरी इन कैप्टन मार्वल। अब हाँ, उस पिक्चर को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है बट बजट का डिफरेंस भी देखो। इंडिया में जो एक काफी नोटेबल एग्जांपल देखने मिला था शाहरुख खान की फैन मूवी में। प्रभास और शाहरुख खान का नाम एक ही वीडियो में लेना कहीं डेंजर के साथ तो नहीं खेल रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ऐसी है कि उस डी एजिंग के बाद भी शाहरुख खान का यंगर वर्जन शाहरुख खान जैसा लग रहा था। इसमें वैसा एग्जैक्टली नहीं है, इसीलिए पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मे बी किसी और एक्टर को हायर करके मेकअप प्रोस्थेटिक और थोड़ा बहुत वीएफएक्स टचअप बन गया अमिताभ बच्चन का यंगर वर्जन। लेकिन ऐसा कैरेक्टर किसी और एक्टर को प्ले करने नहीं देना, तो डी एजिंग हो सकती है, खुद आके इसको क्लैरिफाई करेंगे, हो सकता है मार्केट भी करे। और अगर वो फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस काफी छोटे टाइम के लिए तो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद भी कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। मुश्किल से 1 सेकंड का भी वो शॉट नहीं था, लेकिन हम लोग तब से उसी की बात कर रहे हैं। और अगला पॉइंट भी सेम जो यहाँ पे मणि तुम देख रहे हो, इट लुक सो गुड। कल की मूवी एज अ होल उसको लेके थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट पहले से थी, बट ये देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गए। और साथ में जो एक स्मार्ट वाली चीज उन्होंने करी है कि एक ही टीजर निकाला और उसी में सारे लैंग्वेजेस डाल दिए। आई एम राया, नी पेरेंटी, भगवान हो, डन। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ये पूरा सीक्वेंस मूवी का ओपनिंग शॉट हो, जहां पर एक रैंडम सा लड़का किसी रैंडम रैंडम दिन हिडन प्लेस डिस्कवर करता है, जहां पर रेडर्स एक बैड गाइस एक बूढ़े इंसान को गोली मारते हैं, लेकिन रिस्पांस में वो काफी एजेड दिखने वाला आदमी धूल चटा देता है और गोली से भी कुछ नहीं हुआ तो बच्चा पीछे पड़ गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसीलिए शायद स्लोली अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा धीरे धीरे करके आंसर्स देने लगे आफ्टर गेटिंग अनॉयड। और इसी बच्चे के साथ इंटरेक्शन में कुछ बड़ा होता है, एक उसको साइन मिलता है प्रभास का अराइवल, जिनके लिए फिर से ग्लिम्स निकालेंगे, टीजर निकालेंगे, ट्रेलर निकालेंगे वो नहीं पता, बट वी कि उनके कैरेक्टर का नाम भैरवा होगा। कल की जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे उनका अल्टर ईगो। और एकदम अंदर की खबर, मतलब जो इंटरनेट से ही मैंने ढूंढ के निकाली है, अपोजिशन में खड़े होंगे कली प्लेड बैक कमल हसन। लेकिन इसी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते निकालते एक जो चीज मेरे सामने आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिक्चर का बजट 600 करोड़ के आसपास है, जिसको सुनने के बाद दिमाग के कुछ घंटी कुछ डार्क मेमोरीज पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं आया, और याद करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जितना अब तक अपन ने इसके फुटेज देखे वहां से पिक्चर उस लेवल तक तो नहीं जाएगी ना, नॉट पॉसिबल। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टीजर निकालने के बाद 6 महीने डिले करके पिक्चर को फिक्स करने की कोशिश नहीं करी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिलेड है। इनिशियल प्लान था कि 2022 में रिलीज करेंगे, फिर डेट अनाउंस किया 10 जनवरी 2024, पुश करके 9 मई 2024, और अब लग रहा है कि वो भी आगे जाने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 20 जून हो सकता है एक्चुअल डेट, अपने को प्रभास के साथ कोई फुटेज आएगा उसमें कंफर्म करेंगे। और अगर तुमको याद होगा तो इस मूवी का प्रमोशन एकदम स्मूथ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि भले ही आज कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है बट हमने इसका अच्छा खासा मटेरियल देख लिया है। सबसे पहले एक पोस्टर निकालते हैं जिसका मजाक उड़ाया जाता है तो डिलीट करके वापस से नया, फिर प्रभास का एक और नया पोस्टर निकाला जिसमें 9 मई वाली रिलीज डेट कंफर्म करी थी, चेहरा देखोगे तो थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, और तब तक थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था कि ये लोग जब एक फोटो के साथ नहीं ठीक कर पा रहे तो पूरी पिक्चर में क्या करेंगे। बट भैरवा का जब कैरेक्टर फोटो देखा, एवरीवन वंडर्ड कि इसको सबसे पहले क्यों नहीं निकाला, व्हाई। लेकिन आज के दिन की बात करें 22-23 अप्रैल, तो मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूं। इससे पहले कि तुम जाके गाली
दो, क्लियर एकदम ऐसे शब्दों में बता दिया, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा कि दूसरा टॉपिक नहीं है। लेट्स जस्ट होप कि ये उन मूवीज में से ना निकले जो दूर से दिखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, बट जैसे जैसे पास आई और रिलीज हुई उसने अपना मुंह खोला एकदम कचरा, सब लोग छू के दौड़ रहे हैं। मूवी का हाल जो भी होगा टाइम के साथ पता चल जाएगा, बट जो कॉन्सेप्ट पे वो लोग बना रहे हैं वो काफी इंप्रेसिव है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो अपने कथा पुराणों में लिखा गया इतनी एपिक स्टोरीज काफी सारे लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते Like me. उन कहानियों को आज या फिर फ्यूचर के टाइम में रीइमेजिन करना और एक पिक्चर की स्टोरी में अडॉप्ट करना, होपफुली अगर ये पिक्चर चलती है तो इसके से और अपने को देखने मिलेंगे, वरना क्या है ये पिट गई तो इंडस्ट्री वापस से वही मसाला एक्शन डायलॉग बाजी देशभक्ति। तुम्हारे थॉट्स कमेंट्स में, सब्सक्राइब।